स्वागत है आपका अपने चैनल में। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी टीचर भर्ती को लेकर बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी क्वेश्चन कर रहे थे कि सर सुपर टेट का विज्ञापन अभी तक जारी क्यों नहीं हुआ। ठीक है, सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में भर्तियों का रुकने का मेन कारण था कि बीएड और बीटीसी का जो मामला चल रहा था, पहले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, लगभग एक से डेढ़ साल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले के कारण दोस्तों निकल गया। और उसके बाद यहाँ पर जो NIOS डिलेट था उसको बाहर कर दिया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 18 महीने का कोर्स जो है NCT का जो गज़ट है उसके हिसाब से वैलिड नहीं है और शिक्षा नीति में नहीं वैलिड होगा, तो इसीलिए NIOS डिलेट को बाहर किया गया। अब तमाम प्रकार के जो सरकारें थी उनको मौका मिल गया कि भर्ती प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बिहेव पर ही की जाएंगी, और जहाँ पर चुनाव था वहाँ तो भर्ती प्रक्रिया को किया गया। जैसा कि आपने देखा बिहार में भले ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आया था, फिर भी शिक्षक भर्तियों को लगातार कंटिन्यूसली किया गया, BPSC के द्वारा रिकॉर्ड कायम किया गया, पहले 1,70,000 पदों पर जो भर्ती की प्रक्रिया को पूरा किया गया, फिर लगभग 100,00,000 पदों पर BPSC TRE 2.0 आया, उसकी भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया गया। और इसमें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के दो जजमेंट आए, एक NIOS डीलेट को लेकर था जो NIOS डीलेट को बाहर किया गया BPSC TRE 2.0 में, और BPSC TRE 1 में जो है BEd को बाहर किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लगभग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा बताया गया है कि 51,000 पदों पर प्राइमरी शिक्षक की भर्ती को किया जाएगा, और इसके लिए जो है पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जाएगा और उसके बाद इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर जो सूचनाएं आ रही हैं कि इसके लिए प्रक्रियाएं चालू है और वॉलंटियर की दोस्तों कह सकते हैं जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है, उसके बाद जब शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाएगा तो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से TGT PGT की परीक्षा कराई जाएगी और आपका UP में जो है सुपर टेट का भर्ती का विज्ञापन आएगा। ठीक है, एक न्यूज आई है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 51,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन 11 फरवरी से। ठीक है, तो ये जो न्यूज अभी आई है इसकी पुष्टि मैं नहीं करता हूं और प्रभात तिवारी स्टडी IQ इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन एक चीज ये है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 51,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी जो भी अपडेट होगी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से सूचित करते रहेंगे। चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, जय हिंद।